लता चौक के लोकार्पण के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ है। 92 वर्षों के जीवन उन्होंने जिया था। चौक में 92 कमल उनके 92 वर्षों के जीवन की यात्रा को प्रतिध्वनित करते हैं। 7 स्तंभ हैं संगीत के, 7 स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हुए निरंतर भगवान राम के भजन लता दीदी के श्रीमुख से वहां पर भजन निरंतर लोगों को सुनते हुए दिखाई देंगे। और जब लाइव का कार्यक्रम उसके साथ जुड़ेगा तो सायंकाल क्षेत्र अपने आप में ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और लोगों के लिए दर्शनीय केंद्र भी बनेगा कि वाह, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तरफ जाने वाला मार्ग कितना भव्य चौक के साथ आलोकित हो गया है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हर एक चौराहे को हमें सुंदरीकरण की तरफ अग्रसर करना है। क्या अयोध्यावासी इसके लिए तैयार है? सभी लोग तैयार है, लेकिन इसके लिए डबल इंजन की सरकार सहयोग करेगी, लेकिन आपको भी योगदान देना होगा। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? तो इसी तैयारी के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। स्वच्छता, अयोध्या की पहचान स्वच्छता से बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसीलिए की थी। आज भारत के अंदर और दुनिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान एक नए मानक के रूप में भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज जब कोई हमारे गांव में, हमारे शहर में आता है, स्वच्छ शहर और स्वच्छ गांव को देखता तो प्रभावित होता है। आज से 8 साल पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं होती थी। गांव में कोई जाता था, पहले दर्शन गंदगी के होते। नगर में कोई जाता था, कचड़े से पहले दर्शन होते थे। लेकिन आज स्वच्छता, और स्वच्छता को क्या आप भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए हैं ना? प्लास्टिक मुक्त अयोध्या, प्लास्टिक फ्री अयोध्या, क्या इसके लिए तैयार हैं? गंदगी कहीं नहीं करेंगे ना? अयोध्या को सजाने और संवारने में अपना योगदान देंगे? अभी हम लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या आने वाले हैं, और दीपोत्सव के कार्यक्रम में इस बार अयोध्या के हर घर में भी दीपक जलना चाहिए। राम जी की पेड़ी के साथ साथ हर देव मंदिरों के साथ हर घर में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। होगा अयोध्या के हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम? लाखों दीपक जगमगाते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या को हमें इस रूप में आगे बढ़ाना है। ये भावनाएं, आपकी भावनाएं दुनिया के सामने जाएं, दुनिया आएगी उसको कैच करने के लिए। और आज का दिन इसलिए हमारे लिए अद्भुत है, अयोध्या को संवारने की एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि भगवान राम के सबसे अधिक भजन किसने गाए, अपनी सुमधुर आवाज में किसने गाए, तो नाम आया लता जी का, लता दीदी का नाम आया। और लता दीदी की स्मृति में पहला चौक भव्य स्मारक के रूप में भगवान राम के भव्य मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य चौराहे का पहला कार्यक्रम इस रूप में, जहां पर कोई भी आएगा लता दीदी की सुमधुर आवाज में भगवान राम के भव्य भजनों को सुनकर के, दिव्य भजनों को सुनकर के वह आलोकित होगा और अंतःकरण से प्रफुल्लित होकर के भगवान राम के प्रति उनके मन में एक स्वतः स्फूर्त श्रद्धा का भाव जागृत होता हुआ दिखाई देगा। और भाइयों बहनों, अयोध्या के आते ही इस प्रकार का एक दर्शन अयोध्या के बारे में उसके मन में एक नई छाप लेकर के जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर चौराहे को करें, कहीं पर रामानुजाचार्य जी के नाम पर, कहीं रामानंदाचार्य जी के नाम पर, कहीं पे महर्षि वशिष्ठ जी के नाम पर, कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर, कहीं पर संत तुलसीदास जी के नाम पर, कहीं पर अन्य
राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों और महापुरुषों के नाम पर भी उन चौराहों की सुंदरीकरण के साथ साथ इस प्रकार का एक भव्य स्वरूप उन चौराहों का अगर हो जाए तो अयोध्या को संवरने और सजाने में देर नहीं लगेगी। हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आपने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर अयोध्या को बदलते हुए देखा है। एक नई अयोध्या आज यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या भी किस रूप में उमड़ती भी दिखाई देती है, उसके अनुरूप हमें भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार अयोध्या के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था का सम्मान करते हुए कहीं भी विकास के कार्यों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आने देगी, कोई बाधा नहीं आने देगी। विकास का कार्य हमारी प्राथमिकता है, हम प्राथमिकता के आधार पर इसे करके अपने तीर्थ क्षेत्रों को एक नई पहचान देने का कार्य करेंगे। और आज का दिन तो अद्भुत है, आज लता दीदी की भी पावन जयंती है और आज सरदार भगत सिंह जी की भी पावन जयंती है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार भगत सिंह जी के नाम पर किया है और अयोध्या के मुख्य चौराहे का नामकरण लता दीदी के नाम से हुआ है। अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। अब देश और दुनिया की कभी कहते हैं ना, भगवान राम लंका से अयोध्या पुष्पक विमान पर आए थे, अब हम कह सकते हैं हर बार दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम भगवान राम को यहां पर राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से पुष्पक विमान की प्रतिकृति के रूप में उनको यहां पर ला करके यहां पर विशेष के कार्यक्रम को संपन्न करते रहे हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि अगर वेदांती जी को यहां से किसी दूसरे लोक की यात्रा में जाना होगा तो यहीं से जहाज उनके लिए तैयार होगा। यानी दुनिया से कोई भी व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहेगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी जो सीधे अयोध्या को जोड़ेगी और अयोध्या को जोड़ने के साथ अयोध्या के माध्यम से उसका आत्मिक संबंध एक बनेगा। अयोध्या को उसी भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम आज चल रहा है और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आज अयोध्या ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश संवर रहा है। काशी में देखे काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन और नेतृत्व में कितना भव्य हुआ है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। ऐसे ही विंध्यवासिनी धाम में ये शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि में मां शारदा की वीणा अयोध्या में मुख्य चौराहे पर विराजमान हो गई। यानी मां वीणा की, मां शारदा की कृपा एक बार फिर से अयोध्या पर बरसने वाली है, मां लक्ष्मी की कृपा अयोध्या पर बरसने वाली है और शारदीय नवरात्रि है, जगत जननी मां भगवती की कृपा तो अयोध्या पर सदैव ही बरसती है क्योंकि रामराज्य की धरती है। आज विंध्यवासिनी धाम भी इसी भव्यता के लिए वहां पर कार्य हो रहा है। हम नैमिषारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं, प्रयागराज को कुंभ की धरती है वहां का विकास भी इसी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह आध्यात्मिक विकास की यात्रा तो है ही, आस्था का सम्मान तो है ही, इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी इस पर्यटन विकास की इन संभावनाओं के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों नौजवान अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अलग अलग भागों में जाता था, आने वाले समय में उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अयोध्या शोध संस्थान ने भगवान राम के इंसाइक्लोपीडिया को आज विमोचन भी यहां पर संपन्न हुआ है।
शोध संस्थान की पत्रिका का विमोचन हुआ है और लता दीदी से जुड़ी हुई एक पुस्तिका भी आज मुझे यहाँ प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए अयोध्या शोध संस्थान और इसके संपादकों को, लेखकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी आए, अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से आज उन्होंने समय निकाल करके अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं इसके लिए हृदय से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से भव्य कार्यक्रम अयोध्या में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर संपन्न हो रहा है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, श्री मणिराम दास स्वामी के श्री महंत भी हैं, पूज्य संतजन महंत सुरेश दास जी महाराज है, महंत और धर्मदास जी हैं, यहां पर वेदांती जी महाराज हैं, यहां पर हमारे अवधेश दास जी हैं, हमारे दिनेशाचार्य जी महाराज हैं, कमल नयन दास जी महाराज हैं, हमारे दशरथ गद्दी के श्री महंत जी हैं, अन्य पूज्य संतजन हैं। इन सभी पूज्य संतों को मैं यहाँ पर नमन करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका सानिध्य अयोध्या के विकास के प्रत्येक कार्यक्रम के साथ प्राप्त होता है और यही तो विकास की यात्रा है। इन पूज्य संतों के सानिध्य में हम लोग अयोध्या को भव्य स्वरूप देंगे, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के लता चौक के लोकार्पण के लिए अयोध्या वासियों को और भगवान राम के उन सुमधुर भजनों को जिन जिन श्रद्धालुओं ने सुना है उन सबको हृदय से बधाई देता हूं कि लता जी के श्रीमुख से कभी आपने भजन सुना होगा, आज अयोध्या में लता जी के चौक पर सदैव उनके भजन उसी प्रकार से गुनगुनाते हुए आप सुन सकते हैं और ये भव्य चौक सदैव लता जी की स्मृति को, भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को, निरंतर उनका उनकी याद को हमें स्मरण कराता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा, भव्य दीपोत्सव के लिए हम अभी से अपनी तैयारी करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय जय श्री राम।